गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा को एक चीज के लिए जिले के लोग हमेशा याद रखेंगे, वो है रेल कनेक्टिविटी। दिल्ली मुंबई से लेकर जम्मू तक की रेल कनेक्टिविटी शायद एक सपना ही होती अगर मनोज सिन्हा ने इसके लिए प्रयास नहीं किए होते। मनोज सिन्हा के कार्यकाल की सबसे सफल ट्रेनों में सुहेल देव एक्सप्रेस भी शुमार है। अब इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये ट्रेन फिलहाल गाजीपुर स्टेशन से नहीं खुलेगी। हालांकि गाजीपुर के लोग परेशान हों, उससे पहले ही हम स्पष्ट कर दें कि ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। तकनीकी दिक्कत की वजह से कुछ दिनों के लिए ऐसा किया गया है। असल में वाराणसी मंडल में औडिहार तराव रेलखंड के दोहरीकरण में प्री इंटरलिंकिंग और नॉन इंटरलिंकिंग का काम चल रहा है। इसी वजह से सुपरफास्ट सुहेल देव एक्सप्रेस का शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। वाराणसी मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 8, 9, 10 और 11 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से चलकर सुहेल देव एक्सप्रेस गाजीपुर की बजाय जौनपुर जंक्शन तक ही आएगी। इसी तरह 9, 10, 11 और 12 अक्टूबर को सुहेल देव एक्सप्रेस गाजीपुर की बजाय जौनपुर जंक्शन से खुलकर आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। ऐसे में गाजीपुर के लोग जो दिल्ली से आने वाले हैं या दिल्ली को जाने वाले हैं, उन्हें इस नए परिवर्तन के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होगी। फिलहाल कोरोना संक्रमण थमा नहीं है, ऐसे में जौनपुर जाकर ट्रेन पकड़ना या जौनपुर आकर गाजीपुर को लौटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जिन लोगों के पास निजी ट्रांसपोर्ट है उन्हें कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे हैं उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूर करें। और गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।